अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। आज मैं जो मरियम की किचन की सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्रेड चिकन रोल्स। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्रेड चिकन रोल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अंडे, 2 कप मैश पोटैटोस, 2 कप ब्रेड क्रम्स फ्रेश, 1 कप चिकन बॉयल्ड, धनिया, पुदीना, लाल मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च, नमक, लाल कुटी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और चाट मसाला। सारी चीज़ों को एक बाउल में मिक्स करेंगे। ब्रेड क्रम्स फ्रेश हम कर लेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस लेके आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। धनिया, पुदीना, कुटी हुई हरी मिर्च सब कुछ ऐड करेंगे आप बाउल में और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई। ये सारे मसाले ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से स्पेशला की मदद से प्रेस करेंगे और थोड़ा हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम रोल्स बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें यही इसी स्टेज पे अंडा भी आप ऐड कर सकते हैं, मगर मैं अंडा नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैं इसको अंडे में डिप करके फ्राई करूंगी। अगर आपका मिक्सचर जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून एग ऐड कर सकते हैं। अंडे की सफ़ेदी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, या फिर आप जर्दी भी ऐड कर सकते हैं। आप हम रोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे रोल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। 3 अंडे फेंट लेंगे एक बाउल में, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक ऐड। मीडियम फ्लेम पे हम सारे रोल डीप फ्राई कर लेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, ओवर कुक भी नहीं करना, मगर हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है इनका। हमने जो इस पर ब्रेड क्रम्स ऐड किए थे वो भी फ्रेश ऐड किए थे ताकि ये जो रोल है अंदर से जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। तो हम उसको ओवर कुक करके ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, हम उसकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखेंगे। आप हल्के हल्के से पलटते रहें और वैसे तो ये टूटेंगे नहीं, इसकी स्टफिंग काफ़ी मतलब बाइंडिंग इसकी अच्छी तरह से की है, मगर फिर भी आप एहतियात से इसको फ्राई करें, ना ज़्यादा हार्ड करें और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। स्टफिंग आप अच्छी बनाएंगे, अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे तो ये नहीं टूटेंगे। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये थोड़े सॉफ्ट भी हैं अंदर से, जूसी भी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे और इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। और ये देखिए मज़ेदार ब्रेड चिकन रोल तैयार है। मेरी रेसिपीज को ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घर पे बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।